अजीत मैं रोक रहा हूँ, दानिश आजाद जी हमारे साथ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। दानिश आजाद जी, अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है, ऐलान हो जाएगा, कहा जा रहा है कि शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें चुनाव का ऐलान हो जाएगा, बीजेपी कितना तैयार है? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये पूरी तरीके से निकाय चुनाव के लिए तैयार है। क्योंकि हमने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने धरातल पे ईमानदारी से हर शहर के विकास के लिए काम किया है और इस काम ने जनता के अंदर एक विश्वास पैदा किया है। आप देखिए कि जो भी बीच में उपचुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हुई, अच्छे परिणाम आए, और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भी हम हर नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में कमल का फूल खिलाएंगे। क्योंकि आज जनता को विश्वास है हमारे काम पे, जनता को विश्वास है हमारी नीति पे, और जनता को विश्वास है हमारे नियत पे। जी दानिश जी, 14-2 का आंकड़ा था पिछले चुनाव में, बीएसपी 2 और आप लोग 14 सीटें जीते थे मेयर की, अब इस बार तो आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है, 17 सीटें होंगी, कितने का लक्ष्य आप लोग लेके चल रहे हैं? ये सभी 17 के 17 जो नगर निगम है उस पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाएगी। इस बार का चुनाव ये ऐतिहासिक चुनाव रहेगा और इसमें जनता चुनाव लड़ेगी, और जनता चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेगी? अपने विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। और जिस तरीके से हमने प्रदेश में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया है, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को हमने आगे बढ़ाने का, उन्नति की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश के हर विधानसभाओं में हमने विकास का पहुंचना सुनिश्चित किया है। इन तमाम हमारे जो सरकार के कदम से, जो योगी सरकार के कदम से एक विश्वास है, और आप देखिएगा निकाय चुनाव में भी हम पूरी तरीके से तैयार है और हम कमल का फूल निश्चित तौर पर खिलाएंगे और जनता की सेवा करने की जो हमारी मुहिम है, जो हमारी यात्रा है, ये जो हमारा लक्ष्य है, इसको आगे ऐसे ही जारी रखेंगे। दानिश जी, लेकिन अखिलेश यादव भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं है जनता से जुड़े मुद्दों से, न प्रदेश के विकास से। समाजवादी पार्टी केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए राजनीति कर रही है। आज ना तो उनको जनता को उन पे भरोसा है और ना ही उनके पास लड़ने के लिए सही कैंडिडेट है। तो आम जनमानस को जिस पे भरोसा है वो पार्टी जीतेगी। भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे है, योगी और मोदी सरकार की नीतियों पे है, और इन नीतियों के बल पे हम जीत हासिल भी करेंगे। और समाजवादी पार्टी को हर चुनाव में जनता ने नकारा है और इस निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वही हाल होगा जो पिछले चुनाव में रहा, यानी इस चुनाव में भी उनको हार का ही सामना करना है। बिल्कुल दानिश आजाद जी, आप लोग तैयारियों में कब से जुटे थे? अब ये हालांकि कहा जाता है बीजेपी तो 365 दिन तैयारियों में जुटी रहती है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि निकाय चुनाव के स्पेसिफिक कब तक आपको जिम्मेदारी दे दी गई थी आप लोगों को कि आपको ये जिला है, ये सीटें हैं, इस पर काम करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टि से काम नहीं करती। हमारा जो है लक्ष्य यह है कि हम जनता की सेवा करें साल के 365 दिन। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ समाज के बीच में रहकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो हम तो हर दिन पूरी मेहनत से, जवाबदेही के साथ जनता के बीच में रहते हुए काम करते हैं। हम समाजवादी पार्टी और बसपा की तरह राजनीतिक दल नहीं है कि जब वो बस चुनाव में बाहर दिखे और चुनाव जब खत्म हो तो केवल इसी कमरों में बैठ के और ट्विटर खेलें। हम तो साल की गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, धूप हो, सर्दी हो, हर मौसम में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, योगी सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, ये लोग जनता के बीच में रह के प्रदेश के और जनता के विकास को सुनिश्चित करने वाला काम करते हैं। ठीक है, अजीत भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो कुछ सवाल लेना चाहिए। अजीत, आप कोई सवाल लेना चाहते हैं दानिश जी से हमारे साथ जुड़े? देखिए बिल्कुल दानिश आजाद अंसारी जी, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ। इस बार ये कहा जा रहा है कि इस बार आप लोगों का फोकस मुस्लिम, दलित और यादव, यानी अखिलेश यादव का MY समीकरण और बसपा का दलित और पसमानदा मुस्लिमों को भी आप टिकट देने जा रहे हैं, तो इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बदल दी है। क्या लगता है कि आपकी ये बदली हुई स्ट्रेटजी जिसमें पसमानदा मुस्लिम भी शामिल है, आपने तारिक मंसूर जो VC हैं MU के उनको भी MLC बनाया, ये क्या निकाय चुनाव पर असर डालेगा क्योंकि आप पहली बार मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करती है
और अगर सही मायनों में आम मुस्लिम समाज की मैं बात करूं तो आम मुस्लिम समाज के अंदर ये विश्वास है कि सही मायनों में अगर उनके विकास के लिए कोई काम करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार और योगी सरकार है। और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भी हम अपने पासवानदा समाज के जो हमारे या हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जो हमारे कार्यकर्ता है, भाई बंधु साथी है, उनको भी टिकट देंगे। और हम तो मुस्लिम समाज के मुद्दों के लिए काम करने वाली पार्टी है। अभी आप देखिए कि जो हमारे बुनकर जो पासवानदा वर्ग में जो बुनकर समाज आता है, उस बुनकर समाज का जो बिजली का बिल का जो रेट था उसको फ्लैट रेट करने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। अब हमारे बुनकर भाइयों को बिजली बिल फ्लैट देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी जो सुविधा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी है। और तमाम आम मुसलमानों के अंदर एक विश्वास है कि सही मायनों में मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए पूरी तत्परता और ईमानदारी से योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और निकाय चुनाव में निश्चित तौर पर हम मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट भी देंगे और ऐसे नगर निगम नगर निकायों से हमारे मुस्लिम प्रत्याशी जीत के भी आएंगे जी। अरे उनका क्या होगा जो काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं, मुले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम, उनका क्या होगा? समाजवादी पार्टी का हाल वही होगा जो 2014, 17, 19, 22 के चुनाव में रहा। उनके जनता के सामने समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी को ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दानिश अंसारी जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश